कि मैं अब मोशन कर चुका हूँ, लेकिन जो है उसको ऐसा फील होता है कि मैं मोशन तो जा चुका हूँ लेकिन दोबारा मोशन आने की कंडीशन हो रही है। जीभ में जो है व्हाइट कलर की जो है एक लेयर बन जाती है, आपने कई बार देखा भी होगा, कई बार नोटिस भी किया होगा, अगर व्हाइट कलर की लेयर बन रही है जीभ के ऊपर, उस व्यक्ति को ना संभोग करने की इच्छा नहीं होती है। पित्त आपका बिगड़ा हुआ है तो आप पित्त का भी आपको साथ में ट्रीटमेंट करना होता है ताकि आपका पित्त ना बढ़ के, अगर आप कफ का ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपका पित्त बिगड़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए आप अगर पित्त या फिर वात बिगड़ा हुआ है तो आप उन दोनों का भी ट्रीटमेंट करें साथ में। लेकिन अगर आपका कफ ग्रहणी हो जाता है तो मैं आपको कफ के बारे में बता देता हूँ अभी, इसमें आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। कफ के कारण अगर ग्रहणी बिगड़ती है तो इसका जो सबसे अच्छा उपाय है दोस्तों वो है, नमस्कार दोस्तों, एसके हर्ब यात्रा में आपका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कफज ग्रहणी के बारे में। कफ के कारण दोस्तों जिस व्यक्ति का पेट खराब हो जाता है, ग्रहणी जिस व्यक्ति की बिगड़ जाती है, तो उसके क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या कारण देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या हम उसके उपाय कर सकते हैं। जिस व्यक्ति की पित्त और वात के कारण अगर ग्रहणी रोग हो चुका है तो उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। लेकिन कफ के कारण अगर आपका पेट खराब हो चुका है, आपकी ग्रहणी खराब हो चुकी है, तो आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि कफ के कारण जब पेट खराब होता है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं और क्या क्या कारण देखने को मिल सकते हैं, हम उसके क्या क्या उपाय कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को वातज ग्रहणी, पित्तज ग्रहणी और कफज ग्रहणी तीनों हो जाता है तो उसको संग ग्रहणी का नाम दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि संग ग्रहणी, सारी एक संग हो चुकी है आपको, तो आपकी तीनों की तीनों ग्रहणियां बिगड़ चुकी है, तो आपको संग ग्रहणी का रोग हो चुका है। तो आइए दोस्तों समय को ना खराब करते हुए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप भी दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए आया है तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसी प्रकार की आपको वीडियो देखने को मिलती रहेगी। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कफज ग्रहणी अगर जिस व्यक्ति की बिगड़ जाती है तो उसको लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, सबसे पहला उसका क्या क्या लक्षण होता है। तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति की जब ग्रहणी खराब हो जाती है, चाहे वो वात के कारण हो या फिर पित्त के कारण हो या फिर कफ के कारण हो, मल के ऊपर फोकस किया जाता है, मल के साथ पहचाना जाता है, मल से आप बहुत जल्दी पहचान लोगे कि आपकी कौन सी ग्रहणी बिगड़ चुकी है। कफ के कारण अगर आपकी ग्रहणी बिगड़ जाती है तो जो मल होता है वो सबसे पहले उस वो मल के साथ व्यक्ति को म्यूकस आता है, मल में अगर चिकना चिकना आ रहा है या फिर म्यूकस आ रहा है या फिर उसको आव आ रहे हैं, हम इसको कुछ भी कह सकते हैं, तो उस व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसका जो है कफ ग्रहणी उसको हो चुकी है, उसका कफ जो है बिगड़ चुका है, उसके कारण जो है उसको ग्रहणी रोग हो चुका है। अगर उसके साथ आपको वात दोष भी हो चुका है या फिर वात ग्रहणी आपको हो चुकी है तो वात दोष के सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, साथ में आपको ये वाले सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। जो सबसे बड़ा लक्षण देखने को मिलता है जो कफ ग्रहणी वालों को, उसके साथ क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड आता है, जो बिना कच्चा कच्चा मल आता है, जो बिना पचा हुआ मल जो है वो व्यक्ति को आता है, तो उसको समझ जाना चाहिए उसका जो कफ ग्रहणी है वो हो चुकी है। और साथ ही साथ दोस्तों उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति की कफ ग्रहणी अगर हो चुकी है, उस व्यक्ति को फील होता है कि मैं अब मोशन कर चुका हूँ, लेकिन जो है उसको ऐसा फील होता है कि मैं मोशन तो जा चुका हूँ लेकिन दोबारा मोशन आने की कंडीशन हो रही है, पेट एकदम साफ नहीं हुआ, क्योंकि क्या होता है कि पेट में कफ बन रहा होता है तो पेट एकदम क्लियर नहीं होता है। अगर वो व्यक्ति जाकर एक बार लैटरिन करता है तो एक बार अच्छी तरह क्लियर नहीं होता है, तो कई बार क्या होता है साथ में म्यूकस आने लग जाता है, बहुत सारा म्यूकस निकलता है, तो ये जो है कफ ग्रहणी का जो है सबसे बड़ा लक्षण होता है। साथ ही साथ दोस्तों पेट जो है व्यक्ति का भारी भारी रहने लग जाता है। अब एक लक्षण दोस्तों और देखने को मिलता है कि जिस व्यक्ति का कफ ग्रहणी अगर बिगड़ जाती है तो उस व्यक्ति को ना संभोग करने की इच्छा नहीं होती है। कई बार क्या होता है दोस्तों मल जो है थोड़ा थोड़ा आता है व्यक्ति को, कफ जिस व्यक्ति का बिगड़ जाता है थोड़ा थोड़ा मल आता है और कई बार मल के साथ झाग भी आती है, तो साथ ही साथ उस व्यक्ति को क्या होता है कि मुंह में कुछ भी स्वाद नहीं आता है, कुछ भी खाने का स्वाद नहीं आता है। कफ बिगड़ने के कारण क्या होता है कि मुंह का स्वाद जो है बिल्कुल चला जाता है।
मुंह का स्वाद दोस्तों जाने के साथ साथ क्या होता है, जीभ में जो है व्हाइट कलर की जो है एक लेयर बन जाती है। आपने कई बार देखा भी होगा, कई बार नोटिस भी किया होगा, अगर व्हाइट कलर की लेयर बन रही है जीभ के ऊपर आती है तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए आपका जो कफ का जो प्रकोप है वो हो चुका है। कफ ग्रहणी वालों को दोस्तों एक और सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि व्यक्ति का जो वेट है वो लॉस नहीं होता है। वात ग्रहणी वालों को क्या होता है कि उसका वेट जो है तुरंत जो है बहुत जल्दी से जो बहुत तेजी के साथ घटता है, लेकिन जो कफ ग्रहणी वाले होते हैं उनका वेट लॉस नहीं होता है, लेकिन ये सिम्टम्स उसको देखने को मिलती है और जो वीकनेस है वो उसमें लगातार बनी रहती है। तो अगर साथ में वात ग्रहणी भी है तो उसका वेट भी गिरेगा और ये वाले सिम्टम्स भी उसको देखने को मिलेंगे। लक्षण तो दोस्तों आपको मैंने बहुत सारे शेयर कर दिए, ये जितने भी आपको मैंने लक्षण शेयर किए अगर आपको इनमें से कुछ भी नजर आता है तो आप समझ जाइए आपका कफ जो है बिगड़ चुका है, कफ ग्रहणी आपको हो चुकी है। साथ ही में इसके कारण क्या क्या होते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ, आपको क्या क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे कि आपको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, मक्खन का सेवन नहीं करना चाहिए, घी का सेवन नहीं करना चाहिए, दूध से बने पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, केले का सेवन नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों का अगर आप सेवन करते हैं तो आपका जो कफ है वो बिगड़ जाता है। ये बहुत बड़ा कारण है कि दूध से बने पदार्थ जो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करते हैं तो उसकी वजह से जो है आपका कफ ग्रहणी बिगड़ जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर भारी भोजन अगर आप करते हैं, जैसे कि आपने एक बार खा लिया और तो गले तक, अगर जो व्यक्ति ठूस ठूस के खाना खाता है, कहने का मतलब ये एक बार खा लिया तो उसको दोबारा और फिर खा लिया, तो उसको जो है कफ बिगड़ने की जो है संभावना ज़्यादा हो जाती है, कफ ग्रहणी होने की संभावना बहुत जल्दी हो जाती है। एक और बहुत बड़ा कारण है दोस्तों खाना खाने के तुरंत बाद सो जाना, ये एक बहुत बड़ा कारण है कफ ग्रहणी का बिगड़ने का। साथ ही साथ दोस्तों लाइफस्टाइल को फॉलो न करना या फिर आप अपनी डाइट को फॉलो न करना या फिर कफ से ज़्यादा जो जिससे कफ बिगड़ता है उन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना तो भी आपकी जो कफ ग्रहणी है वो बिगड़ जाती है। तो अभी दोस्तों हमने बात करी है आपके लक्षणों की, बात करी है कफज ग्रहणी में कारणों की, बात करी है, अब बात करेंगे हम उपाय की, इसमें क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं जिस व्यक्ति बिगड़ जाती है तो उसमें हम क्या क्या, कफ के कारण अगर आपकी ग्रहणी खराब होती है तो उसमें क्या क्या आप उपाय कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आप पित्त आपका बिगड़ा हुआ है तो आप पित्त का भी आपको साथ में ट्रीटमेंट करना होता है ताकि आपका पित्त ना बढ़ के, अगर आप कफ का ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपका पित्त बिगड़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आप अगर पित्त या फिर वात बिगड़ा हुआ है तो आप उन दोनों का भी ट्रीटमेंट करें साथ में, लेकिन अगर आपका कफ ग्रहणी हो जाता है तो मैं आपको कफ के बारे में बता देता हूँ अभी, इसमें आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। कफ के कारण अगर ग्रहणी बिगड़ती है तो इसका जो सबसे अच्छा उपाय है दोस्तों वो है सौंठ। सौंठ, पिपली और काली मिर्च बराबर मात्रा में आपने ले लेनी है, बराबर मात्रा में आपने इसको कूट के अच्छी तरह चूर्ण बना लेना है। और उसके बाद क्या करना है आपने दोस्तों, इसका चुटकी भर जो आपने एक चुटकी या दो चुटकी आप खाना खाने से पहले इसका पानी के साथ सेवन करेंगे तो इसे आपको जो है कफ ग्रहणी में लाभ जरूर होगा। इसका दूसरा जो उपाय है दोस्तों वो है छाछ। छाछ मैंने आपको पहले भी बताया है कि दोस्तों छाछ बनाने का एक तरीका अलग होता है, लस्सी बनाने का एक तरीका अलग होता है। छाछ जो होती है उसमें से आपने बटर जो है उसमें से अलग निकाल लेना है और उसमें बिल्कुल भी ऐसा कोई भी फैट नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्लेन पानी होना चाहिए। अगर दही से आप अच्छी तरह छाछ बना रहे हैं तो उसमें से बटर बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए। सिंपल उसका जो आपने सेवन करना है उसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर जो मिक्स करना है आपने त्रिकुटू नाम का एक चूर्ण आता है, आप उसका सेवन इसके साथ दो चुटकी या आप एक चुटकी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कफ ग्रहणी में लाभ मिलेगा। मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूं दोस्तों, इसके जो छाछ का आप सेवन करेंगे उसमें मक्खन नहीं होना चाहिए, दही से निकाला हुआ मक्खन अलग होना चाहिए, छाछ बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए और साथ ही साथ इसमें जो है त्रिकुटू चूर्ण का आप इस्तेमाल करेंगे तो जो कफ के कारण आपकी ग्रहणी बिगड़ी हुई है उसमें जो है ये बहुत ही अच्छा लाभ देता है। तीसरा जो नुस्खा है, अगर आपको कफ के कारण अगर दोस्तों आपकी ग्रहणी बिगड़ चुकी है तो इसमें जो मुलेठी है, मुलेठी आप सब जानते होंगे, आप किरियाने की दुकान से या फिर आप किसी भी पंसारी की दुकान से जाकर आप ले सकते हैं। मुलेठी का आप सिंपल आप सेवन करेंगे, आप उस मुलेठी का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, आप उसका चूर्ण बनाकर ले सकते हैं या आप उसको सिंपल किसी भी प्रकार उस मुलेठी का अगर आप सेवन करते हैं, दिन में उसका सेवन करते हैं तो जो कफ के कारण ग्रहणी आपकी बिगड़ गई है उसमें ये बहुत ही अच्छा लाभ देता है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आयुर्वेद के नियमों के अनुसार अगर आप चलते हैं, नियमों के अनुसार चलने का मतलब है कि अगर आप प्रकृति के नियमों के अनुसार चलेंगे तो आपकी जो ये ग्रहणी है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप जो मौसम के हिसाब से है भोजन अगर करते हैं
तो उसके हिसाब से अगर आप भोजन करते हैं तो आपकी गृहिणी बहुत ही जल्दी ठीक हो सकती है। अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करके आपकी गृहिणी बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों आप योग को अपनी लाइफ में ऐड जरूर करें, तभी जाकर आप इस गृहिणी से छुटकारा पा सकते हैं, जो कि आपकी सिर्फ कफज गृहिणी अगर आपको हो रखी है, या फिर पित्त गृहिणी हो सकी है, या फिर कफ गृहिणी हो चुकी है। इन तीनों गृहिणी को संगृहिणी का नाम दिया जाता है। अगर तीनों आपकी बिगड़ जाती है तो बहुत ही भयंकर रूप ले लेती है। तो आप इन थोड़ी थोड़ी मेडिसिन का आप सेवन कर सकते हैं। मेडिसिन के लिए आप किसी भी आप नज़दीकी केंद्र आयुर्वेदिक केंद्र में जाकर उसकी मेडिसिन भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप योग को अपनाकर, साथ ही साथ आप छोटे छोटे नुस्खों को कर इस जो भयंकर जो आपकी जो गृहिणी बिगड़ जाती है, संगृहिणी का रूप ले लेती है, जो भयंकर बन जाती है, इससे आप निजात पा सकते हैं। दोस्तों अगर आप वातज गृहिणी के बारे में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, या फिर ऊपर भी आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। पित्तज गृहिणी के बारे में भी हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसके लिए भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं और उनसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है आप वो भी देख सकते हैं। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आया है तो हमारे चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी हिट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी प्रकार की आपको वीडियो देखने को मिलती रहेगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।